तो मैकेनिक दोस्तों, नॉर्मल शब्दों में अगर इसे एक्सप्लेन किया जाए तो BS6 की गाड़ियों में होंडा ने सेल्फ मोटर को यहाँ से रिमूव कर दिया है। इस जगह पे पहले सेल्फ मोटर अटैच था, जो अब की गाड़ियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा और काफ़ी साइलेंटली और इजीली हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, एक ज़रा सा भी साउंड नहीं करती। आपको स्टार्ट करके इसका साउंड सुना देते हैं, तो देख पा रहे हैं काफ़ी इजीली हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है बिना कोई साउंड किए। तो ये कैसे वर्क करता है और ACG का क्या फुल फॉर्म है और यह टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगा, सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए सारे चीज़ों को ओपन करते हैं और आपको एक्सप्लेन करके दिखाते चलते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल फॉर्म की। तो सबसे पहले होंडा की गाड़ियों में HET का लोगो इस तरह से आप देख रहे होंगे, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं। HET का जो फुल फॉर्म होता है होंडा इको टेक्नोलॉजी, तो यह 2013 से गाड़ी में यूज होते आ रही है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रांडिंग आपको दिख रहा होगा ESP यानी इनहैंड स्मार्ट पावर, और एक और आता है ACG स्टार्टर, यानी ACG का जो फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, उसी के बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी HET कैसे वर्क करता है इनके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मैकेनिक TV को थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। HET कैसे वर्क करता है, HET कब से लागू किया गया और HET के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, उसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए अब हम अभी एक्सप्लेन करते हैं ACG के बारे में। तो ACG जो है होंडा बहुत ऐसी बाइक और स्कूटर में यूज करती है, होंडा की SP125, होंडा शाइन, होंडा ड्रीम डिलक्स, होंडा की जो है होंडा की एक्टिवा, सभी में यूज होते हैं बाइक और स्कूटर में। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे वर्क करता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, नॉर्मल सा RR यूनिट लगाया गया है और उसी से जो हमारा कंप्लीट ASG वर्क करता है। और मैग्नेट सेट इसका, जब से ASG वाला सिस्टम आया है, कोई सी भी ASG वाली बाइक में आपको यहाँ पर जो है मैग्नेट कॉइल के अंदर ऑयल देखने को नहीं मिलेगा। तो ACG को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले इसके लेफ्ट साइड के पैनल को ओपन करके आपको हम दिखाते हैं कैसे वर्क करता है। तो इसके एक नॉर्मल से स्क्रू को ओपन कीजिएगा, बाकी इसका जो है पैनल यहाँ से इजीली रिमूव हो जाएगा। फिर आपको अंदर के सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। अब इसके अपने और फ्रंट के ओर खींचेंगे और देख पा रहे एक बड़ा सा इसके अंदर यूनिट लगाया गया, जो RR यूनिट की तरह कंप्लीट दिखता है और इसी से हमारा सारा सिस्टम वर्क होता है और यही हमारा ACG स्टार्टर को वर्क करवाता है। और कंप्लीट और अंदर डिटेल में भी आपको हम बताते चलते हैं कैसे सारा चीज़ इस पर वर्क होता है। तो यह एक यूनिट आपको देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर यही सारा चीज़ वर्क करता है, चाहे वो TCI का काम हो, चाहे वो ECU का काम हो, चाहे वो RR यूनिट का काम हो, सारा चीज़ इसी से वर्क करता है। बाकी कुछ वायरिंग की आपको डिटेल दे देते हैं। ये जो कंप्लीट वायरिंग हार्नेस आपको दिख रहा होगा, सारा सेटअप इसी से जुड़ा हुआ है, यानी कितने मतलब जितने भी सेंसर लगे हुए हैं, एक्चुएटर लगे हुए हैं, सारा चीज़ को यही वर्क करवाता है। बाकी इधर से जो वायरिंग इसके गियर इंडिकेटर के हैं, ये इसके वायरिंग हार्नेस जो इससे जॉइंट है, बाकी ये हमारे ASG से वर्क करवाता है। तो अभी हम ACG पे हम फोकस करेंगे, तो इसके इस वाले वायर को हम चेकआउट करेंगे कि कैसे इसका ACG वर्क करता है। तो उसके लिए इसके और वायरिंग लाइन चेक करने के लिए इसके मैग्नेट साइड को ओपन करेंगे और दिखाएंगे किस तरह से बिना सेल्फ से हमारी गाड़ी इजीली स्टार्ट होती है और क्यों स्टार्ट हो जाती है। इसके जो बिना सेल्फ के स्टार्ट हो जाना, ये ज़्यादातर सीखने और जानने लायक रहेगा। तो मैकेनिक दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं तीन जो हमारा वायर है कंप्लीट ACG स्टार्टर के लिए जाता है। तो ये हम एक्सप्लेन करने के लिए इसके जो मैग्नेट साइड को ओपन करके आपको हम दिखाते हैं किस तरह से हमारा ACG वर्क करता है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले इसके चेन कवर को खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक बोल्ट होता है। बाकी इसको ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे इसके अंदर जरा सा भी ऑयल वगैरह नहीं होता, क्योंकि ACG वर्क होने के लिए ऑयल की कोई आवश्यकता नहीं। ये सारे चीज़ सीखने लायक है कि जब हमारा ACG वर्क ना करे तो हमें कौन कौन से वायरिंग लाइन चेक करना चाहिए, क्या इसे ओपन करने का क्या सही और सटीक तरीका है। तो सबसे पहले ये जो हमारा 8mm के दो बोल्ट हैं, इसे ओपन कर लेते हैं, ओपन नॉर्मल हो जाएगा। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, फिर आगे का स्टेप आपको हम बताते चलते हैं। तो बाकी सारे बोल्ट ऊपर हैं, बट यहाँ पे एक वायरिंग के अंदर हाइड करके बोल्ट दिया गया मैकेनिक दोस्तों। जब ओपन करें तो यहाँ पे देखें वायरिंग हार्नेस का जो हमारा गियर इंडिकेटर सेंसर के लिए वायरिंग जाता है, उसके अंदर से यहाँ एक बोल्ट हाइड करके दिया गया है। बाकी ये केस, अगर इस केस की बात किया जाए तो ये फाइबर आइटम है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल नहीं है, इसलिए मेटल का केस इसके अंदर यूज नहीं किया गया है। तो चलिए इसके सारे बोल्ट को हम इजीली ओपन करते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कैसे इसके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म ऐड किया गया है BS6 के अंदर। तो सारे बोल्ट को ओपन करते हैं, फिर अंदर का सेटअप आपको दिखाते हैं। तो सारे बोल्ट को ओपन कर चुके हैं, अब इस वाले केस को यहाँ से ओपन करेंगे और देख पा रहे हैं मैकेनिज़म।
तो अब इसके केस को ओपन कर चुके हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके अंदर से बहुत सारे ऐसे हॉल दिए हैं जिसके अंदर वाटर जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके अंदर जिस तरह से ACG लगाया गया है, अगर हो सके पानी वगैरह जब ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसके सबसे ऊपरेले फेस पे यहाँ पे दिया गया हमारा फ्लाईव्हील, जिससे हमारे जो है कंप्लीट इंजन को जो है एयर कूल्ड रहता है, यानी एयर कूल्ड वाला इंजन, इसके अंदर लिक्विड यूज नहीं होता है। प्लस यहाँ पे ये चीज़ आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा होगा कि मैग्नेट साइड ऑयल इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है। बाकी गाड़ियों में और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है, और इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी ACG स्टार्टर से वर्क होने वाली गाड़ियाँ होती है उसमें आपको पिकअप कॉइल देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर आप अगर देखें तो यहाँ पे अगर आपको टाइमिंग दिखा दें, इस जगह पे आपको T और F का मार्किंग दिख रहा होगा, ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको मार्किंग दिख रहा होगा T और F का, और इस जगह पे एरो बना है, यानी जब भी आपको टाइमिंग लेना है तो इस जगह पे लेना है। तो इसी के अगल बगल कहीं साइड में इसके अंदर पिकअप कॉइल का यूज होना चाहिए, बट ACG से कंप्लीट वर्क होता है हमारी गाड़ी, इसलिए इसके अंदर पिकअप कॉइल का यूज नहीं किया गया है। और आपको अभी देखिए इसकी ऑन कंडीशन है, आपको अभी गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे। देखिएगा बिना कोई साउंड किए, बिना इसके अंदर कुछ मूवमेंट हुए, हमारी गाड़ी ईजिली स्टार्ट हो जाएगी। आपको इसका साउंड सुनाते हैं, आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं। एकदम साइलेंटली मोड में स्टार्ट होगी हमारी गाड़ी। तो अभी देख पा रही है किस तरह से स्टार्ट होगी, देख पा रहे काफ़ी इजीली स्टार्ट होगी। कुछ इसी तरह से हमारा ACG वर्क करता है, बिना कोई साउंड की हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। इसको ऑफ कर दिया। अब इसके कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि बाय द वे ये ख़राब हो जाए तो किस तरह से इसे चेकआउट करना चाहिए। अब जो हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए खास बात है कि अगर वर्क ना करे हमारा ACG तो किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करना है। इस वाले वायर में जो हमारा ब्लैक, ये रेड प्लस ब्लैक लाइन है, इस पर हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई होगी, क्योंकि ये जो हमारा वायर आता है इनपुट है, बाकी ये जो हमारा है आउटपुट है। ये वाला लाइन हमारा इस जगह पे आता है ACG के लिए, और ये हमारा डायरेक्ट बैटरी के लिए 12 वोल्ट का सप्लाई आता है, बाकी ये हमारा बॉडी अर्थ है। और ज़्यादा वायरिंग कनेक्शन अगर देखा जाए तो इस वाले वायर से अटैच है जो कम्प्लीट हमारा सेंसर, जो हमारा ये सारे सेंसर लगे हुए हैं या एक्चुएटर लगे हुए हैं, सारा चीज़ इसी से वर्क करता है, क्योंकि यही एक तरह से ECU का काम करता है, यानी इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट और इंजन कंट्रोल यूनिट, सारा चीज़ इसी के अंदर ऐड कर दिया गया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि किस तरह से ACG वर्क करता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कंप्लीट ऑटोमेटिकली किस तरह से स्टार्ट होता है, इसको ओपन किस तरह से करना है, और इसके इन साइड के बारे में बताना, और अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपको अलग अलग वीडियो चाहिए, यानी फ्यूल पंप किस तरह से वर्क करता है, थ्रोटल बॉडी कैसे वर्क करता है, इसके फ्यूल टैंक कैसे ओपन करना है, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दिए हैं, वो वीडियो नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या मैकेनिक TV को थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो अगर कहीं से इशू आता है फिर आपको हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके बता दें किस तरह से ACG वर्क करता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कोई सी अच्छी सी टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई सी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।